हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कपलान टरबाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कपलान टरबाइन किस टाइप की टरबाइन है, कपलान टरबाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कपलान टरबाइन किस तरीके से काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टरबाइन होती क्या है। टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये फ्लूड हमारा हो सकता है वाटर, ये फ्लूड हमारा हो सकता है स्टीम या एयर या कम्बस्चन गैस। टरबाइन का जनरली यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन में, लेकिन कहीं कहीं पर टरबाइन का यूज़ एज ए प्रोपल्सन सिस्टम के भी किया जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स में टरबाइन का यूज प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में किया जाता है। आज जिस टरबाइन की बात हम करने वाले हैं वो एक वाटर टरबाइन है। वाटर टरबाइन कई टाइप की होती हैं, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसमें एक है रिएक्शन टरबाइन एंड सेकेंड है इम्पल्स टरबाइन। हमारी कपलान टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। इससे पहले हम पेल्टन व्हील टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर इन दोनों टरबाइनों के बारे में जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर कपलान टरबाइन किस टाइप की टरबाइन है। कपलान टरबाइन का इन्वेंशन करा था एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर विक्टर कपलान ने, जिनके नाम पर इस टरबाइन को हम कपलान टरबाइन कहते हैं। कपलान टरबाइन एक एक्सेल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। साथ ही में कपलान टरबाइन का यूज़ हम लो वाटर हेड एंड हाई डिस्चार्ज वाली जगह पर करते हैं। कपलान टरबाइन के लिए वाटर हेड होना चाहिए 10 से 70 मीटर एंड इसका डिस्चार्ज होना चाहिए 70 से 800 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इस टरबाइन की जो स्पीड रेंज है वो होती है 55 से लेकर 450 आरपीएम। इस टरबाइन का यूज़ हम ऐसे पावर प्लांट में करते हैं जिसकी कैपेसिटी 5 से 200 मेगावाट के बीच होती है। कपलान टरबाइन की इफ़िशेंसी की बात करें तो कपलान टरबाइन की इफ़िशेंसी ऑलमोस्ट 90 से लेकर 93% तक हो सकती है। अब हम यहाँ जानेंगे आखिर एक्सेल फ्लो कहते किसे हैं। एक्सेल फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जब पानी का फ्लो टरबाइन के रोटर के पैरेलल होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये टरबाइन का रोटर है और ये जो है हमारा पानी का फ्लो है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पानी का फ्लो हो रहा है वो टरबाइन के रोटर के एक्सेस के पैरेलल हो रहा है, तो इसी कारण से इसको हम एक्सेल फ्लो कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपलान टरबाइन का एक पिक्चर है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि टरबाइन के रोटर के एक्सेस के पैरेलल है। इसी कारण से हम कपलान टरबाइन को एक्सेल फ्लो टरबाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कपलान टरबाइन के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपलान टरबाइन के मेन पार्ट्स, जिसमें आता है पेन स्ट्रोक, स्पाइरल केसिंग, गाइड वेन जिसको हम विकेट गेट भी कहते हैं, रनर ब्लेड, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। अब हम इन सारे पार्ट्स के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में आपको कपलान टरबाइन ऐसे दिखाई देगी, और यहाँ पर टरबाइन का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसके अंदर टरबाइन के पार्ट्स दिखा रखे हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो ब्राउन कलर का है ये हमारा रनर, ये हमारे हैं रनर ब्लेड, ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब, ये हमारा जो येलो कलर का है ये है गाइड वेन, ये है हमारी स्पायरल केसिंग, या आप देखेंगे ये है गाइड वेन कंट्रोल डिवाइसेस, ये आप देखेंगे ये है मेन शाफ्ट और ये हमारा हेड कवर। आखिर पेन स्ट्रोक क्या होता है? तो पेन स्ट्रोक एक ऐसी चैनल या
पाइपलाइन है जिसके द्वारा जो डैम से पानी है वो एक्चुअल पावर स्टेशन तक आता है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो टरबाइन के अंदर पानी आता है वो आता है पेन स्ट्रोक के थ्रू, यानी कि जो सबसे पहले पानी है वो पहले डैम में रहता है, डैम से पेन स्ट्रोक में जाता है और पेन स्ट्रोक से टरबाइन में आता है। पेन स्ट्रोक का डायमीटर 1 से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है। स्पाइरल केसिंग, स्पाइरल केसिंग किसी भी टरबाइन का सबसे आउटर पार्ट होता है और बाकी पार्ट्स इसी स्पाइरल केसिंग के अंदर लगे होते हैं। पेन स्ट्रोक के बाद जो पानी सबसे पहले आता है वो आता है स्पाइरल केसिंग में, और इसके बाद जाता है पानी हमारा गाइड वेन के अंदर, और गाइड वेन के बाद जाता है हमारा पानी सीधे रोटर में। स्पाइरल केसिंग के जो मेन काम है वो है हमारी गाइड वेन, रनर ब्लेड, रनर और जो बाकी इसेंशियल कंपोनेंट है उनको डैमेज होने से बचाना। और साथ ही में स्पाइरल केसिंग का एक और काम है जो कि इसके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, वो आप देखेंगे आगे पिक्चर में। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि इसका डिज़ाइन इस तरीके से है कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और आगे बढ़ने पर इसका डायमीटर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी हमारा पानी का फ्लो है वो सेंटर पर यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे जैसे पानी हमारा आगे बढ़ता है ये अपनी वेलोसिटी खोता जाता है, लेकिन स्पाइरल केसिंग की शेप हमारी कैसी है कि शुरू में तो डायमीटर ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे इसका डायमीटर कम होता जाता है, यानी कि एरिया कम होता जाता है। और हमको पता है जब एरिया कम होगा तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और स्पाइरल केसिंग के इस स्पेसिफिक डिज़ाइन के कारण जो हमारा पानी का फ्लो है वो यूनिफॉर्म बना रहता है और सेंटर पर हमको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फ्लो मिलता है। इसी कारण से स्पाइरल केसिंग का डिज़ाइन ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर गाइड वेन क्या होती है। गाइड वेन एक मूवेबल वेन है, यानी कि एडजस्ट हो सकती है। गाइड वेन का दो काम है। सबसे पहला काम है जो हमारा पानी का फ्लो है उसको रेगुलेट करना, यानी कि अगर हमारा पावर की डिमांड ज़्यादा है और हमको पावर आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो क्या करेगा, हमारा गाइड वेन जो फ्लो रेट है उसको बढ़ा देगा, यानी कि जो हमारी गाइड्स वेन है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगी। अगर हमें पावर आउटपुट कम चाहिए तो गाइड वेन हमारी धीरे धीरे क्लोज होंगी, यानी कि उससे हमारा जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। साथ ही में गाइड वेन का सेकेंड काम है जो पानी का स्ट्राइक एंगल है उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि स्ट्राइक एंगल ही वो चीज़ है जिससे हमारे कपलान टरबाइन की इफ़िशेंसी इंक्रीज होती है। आगे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस स्ट्राइकिंग एंगल को ये गाइड वेन मैनेज करती हैं। अब हम देखेंगे रनर ब्लेड क्या है। रनर ब्लेड एक प्रोपेलर की तरीके से दिखता है, तो इसी कारण से कभी कभी कपलान टरबाइन को हम प्रोपेलर टरबाइन भी कह देते हैं। कपलान टरबाइन के जो ब्लेड हैं वो ट्विस्ट शेप वाले होते हैं, ये इसका एक स्पेशल डिज़ाइन है। अगर आप बाकी अदर एक्सियल फ्लो टरबाइन को देखेंगे तो उनके जो ब्लेड वो प्लेन रहते हैं, लेकिन कपलान टरबाइन का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है जो कि ट्विस्ट शेप वाला होता है। टरबाइन का जो रनर ब्लेड है उसकी संख्या होती है 4 से लेकर 8, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रनर ब्लेड है ये भी मूवेबल है, यानी कि जो अपना एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रनर क्या होता है। रनर ही वो पार्ट है जिसके ऊपर रनर ब्लेड माउंट होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये रनर है और इसके ऊपर ये रनर ब्लेड लगा रखे हैं, और रनर ही वो मेन पार्ट है जो कि टरबाइन की सेंट्रल शाफ्ट से अटैच रहता है, और ये सेंट्रल शाफ्ट हमारी अटैच रहती है जनरेटर से। ड्राफ्ट ट्यूब, जब हम अपनी टरबाइन के अंदर पानी का फ्लो चालू करते हैं और जब ये पानी बाहर निकलता है तो ये निकलता है एक ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से।
ड्राफ्ट ट्यूब का डिजाइन होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी कि शुरू में इसका डायमीटर कम होगा लेकिन आगे जाने पर इसका डायमीटर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ये ड्राफ्ट ट्यूब का एक सिरा हमारा कनेक्ट रहता है रनर आउटलेट से और जो दूसरा सिरा वो सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ रहता है पानी के अंदर टेल रेस में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब कैसी दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे डायमीटर कम है और यहाँ धीरे धीरे ड्राफ्ट ट्यूब का डायमीटर बढ़ जा रहा है। इस डिज़ाइन का एक अपना रीज़न है कि आखिर ड्राफ्ट ट्यूब को इस डिज़ाइन में क्यों बनाया गया है। जब भी हमारी कपलान टर्बाइन अपनी वर्किंग कंडीशन में होती है तो इस एग्जिट पॉइंट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिस कारण से जो पानी है वो एग्जिट आसानी से नहीं हो सकता, जिसके लिए हमको इस पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका डायमीटर धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। और हमको पता है जब पानी इस ट्यूब से होकर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी लेकिन प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर एनर्जी कम होगी। धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा और वेलोसिटी कम होगी लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी और आउटलेट पर पहुँचते पहुँचते क्या होगा, हमारा प्रेशर इतना हो जाएगा कि हमारा पानी आसानी से बाहर चला जाए और ये जो सिरा है ये हमारा टेल रेस में पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है। अब हम जानेंगे कि कपलान टर्बाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो जिसको हम पिक्चर की मदद से भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पानी है वो पेन स्टॉक में आता है और पेन स्टॉक से जाने के बाद वो जाता है हमारा सीधे स्पाइरल केसिंग में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद ये जो पानी हमारा गाइड वैन के पास जाता है और गाइड वैन इस पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। अगर हमको ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो ये जो गाइड वैन है इस तरीके से पूरा ओपन हो जाती हैं और अगर आपको कम पावर आउटपुट चाहिए तो ये जो गाइड वैन है थोड़ी थोड़ी क्लोज हो जाती हैं। और गाइड वैन इस तरीके से काम करती हैं कि ये जो पानी है हमारा रोटर के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर टर्न होकर अंदर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी इस रोटर के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में गिरता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब ये पानी इस रोटर ब्लेड पर गिरता है तब एक एयरोफॉयल इफेक्ट होता है। अब एयरोफॉयल इफेक्ट क्या होता है, इस ब्लेड का डिजाइन होता है जैसे कि हमारे एरोप्लेन के पंख होते हैं, सेम वैसा ही डिजाइन होता है। जब पानी का फ्लो इन ब्लेड पर होता है तो एक तरफ हाई प्रेशर जनरेट होता है और एक तरफ लो प्रेशर जनरेट होता है। और आपको पता है कि जो प्रेशर है हमेशा हाई से लो की ओर जाता है और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण एक लिफ्ट जनरेट होता है इस ब्लेड के ऊपर और ये जो हमारा रोटर है इस तरीके से घूमने लगता है। अब हम जानेंगे कि हमारा जो ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक है वो कैसे डिसाइड करता है हमारा ये रनर ब्लेड, क्योंकि हमको पता है रनर ब्लेड जो हैं वो एडजस्टेबल होते हैं यानी कि ये भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर W, V और U दिखा रखे हैं, जो क्या है, W है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो, V है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लो और U है ब्लेड वेलोसिटी। यानी कि ये जो V है ये जो हमारा पानी है उसकी वेलोसिटी है और ये जो W है ये हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि जो एक्चुअल फोर्स है वो हमारा W है। अब हम आगे समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं या रोटर के जो ब्लेड हैं वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और क्यों एडजस्ट करते हैं, वो इस कंसेप्ट को हम अब समझते हैं। तो जब हमारा पानी का फ्लो हाई होता है तब होता क्या है, ये जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि W है ये मोर एक्सियल यानी कि और ज़्यादा एक्सेल हो जाती है, जिसके कारण से ये जो हमारे ब्लेड हैं ये भी
इसी डायरेक्शन में एक्सेल हो जाते हैं और जो हमारा पानी का फ्लो है ज़्यादा होने लगता है और हमारी टरबाइन भी ज़्यादा घूमने लगती है। लेकिन जब हमारा फ्लो रेट कम हो जाता है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर वी, जो कि समय कम हो चुका है, तो जैसे ही फ्लो रेट कम होगा तो जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी डब्ल्यू है उसकी डायरेक्शन हमारी टेंजेंशियल हो जाती है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में होना प्रारंभ हो जाती है और इसी कारण से जो हमारा ब्लेड है वो भी इस रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल हो जाती है, यानी कि इस पोजीशन में आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारे रनर ब्लेड अपने आप को ऑप्टिमम एंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपलान टरबाइन के द्वारा पावर जनरेशन हो रहा है। ये हमारा डैम है, ये हमारा पेन स्टोक है जहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी हमारा स्पायरल केसिंग में जा रहा है, स्पायरल केसिंग से पानी हमारा इस रोटर पे आ रहा है और इस रोटर पर जब पानी फ्लो होता है तो ये रोटर मूव करता है या रोटेट करता है, जिससे यहाँ पर ये जनरेटर से अटैच है तो जनरेटर भी घूमता है और इसी जनरेटर से जो हमारी बिजली पैदा होती है और यही बिजली हमारी आगे ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए हमारे घरों तक चली जाती है और जो हमारा बचा हुआ पानी है वो ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से टेलरेस में आता है और इस तरीके से टेलरेस से होता हुआ ये हमारा पानी एग्जिट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कपलान टरबाइन कैसे काम करती है आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।